अरे बाप रे, सिंचाना चौप तो नीचे मेरा वेट कर रहे होंगे। जल्दी से जाना पड़ेगा, कल तो मेरी बर्थडे थी। और गाइस, आप लोगों को पता ही है सिंचाना चौप ने मेरे लिए कितना ही बढ़िया सरप्राइज रखा था, लेकिन अब उनको सरप्राइज रिटर्न भी तो करना है। मैंने उन्हें कोई गिफ्ट नहीं दिया अपनी बर्थडे पर, इसलिए वो दोनों नीचे खड़े हैं। अब उन दोनों को लेकर जाना पड़ेगा और उन दोनों की फेवरेट चीज उन्हें लेकर देनी पड़ेगी। और गाइस, मुझे पता नहीं कि उन दोनों की फेवरेट चीज क्या है। मुझे पता था यार, ये दोनों भाई वेट कर रहे होंगे। सेम चैनल चोब, आज तो तुम लोगों को स्कूल से छुट्टी है, मैं समझ रहा था तुम लोग सोए हुए होगे। शकलिन भैया, हम लोग तो कितने ही ज्यादा एक्साइटेड है, एक्साइटमेंट की वजह से हम लोग पूरी रात सोए नहीं। आज इसलिए हम लोग जल्दी सुबह उठ गए, क्योंकि आपने हमसे प्रॉमिस किया है कि आज हमें ना आप साइकिल लेकर देंगे। ओ, मैं तो अपनी पुरानी साइकिल से ना तंग आ चुका था, इसलिए सिंचान और मैंने वो साइकिल बेच दी, इसलिए हमें अब नई साइकिल चाहिए। राजू और जग्गू के मम्मी पापा ने भी उन्हें नई साइकिल लेकर दी है। प्रकनी भैया, आप भी हमें लेकर दोगे ना? अरे मैं तो समझ रहा था ये दोनों ना मुझसे फरमाइश करेंगे कोई खाने पीने की, लेकिन इन दोनों ने तो सीधी सीधी इतनी बड़ी साइकिल की फरमाइश कर दी। अरे जितने भी मेरे पास पैसे थे ना, वो रात की पार्टी में मैंने लगा दी, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। या फिर तुम लोगों को थोड़े दिन वेट करना पड़ेगा। फ्रकिन भैया, अगर आप हमें साइकिल लेकर देते हो तो मैं आपको एक ऐसी चीज बता सकता हूँ जिससे आपके पास जितने भी सुपर हीरो के सूट है ना, उनसे खतरनाक चीज बन जाएगी। लेकिन ये चीज मैं आपको तभी बताऊंगा जब आप मुझे और चौक ना साइकिल लेकर दोगे। अबे गाइस, ऐसी क्या चीज है जो सिंचान के हाथ में लगी है? चलो ठीक है, तुम दोनों को मैं साइकिल लेकर देता हूँ, जल्दी से मेरे साथ आ जाओ। मुझे लगता है ना गाइस, ये मुझे बता सकता है, क्योंकि सिंचान ना काफी शरारती और तेज है, और हो सकता है इसके हाथ कोई ऐसी चीज लगी हो जो हमारे बहुत ज्यादा काम आ सकती है। जल्दी से आ जाओ तुम दोनों, इन दोनों को अब लेकर जाना पड़ेगा। गाइस, इन दोनों की फेवरेट साइकिल इन दोनों को लेकर देनी है मुझे। बैठ जाओ सिंचाना चौप गाड़ी के अंदर, मुझे लगता है आप गाड़ी को भगा कर लेकर जाना होगा। अरे सिंचाना चौप, कहाँ से मिलेंगी तुम लोगों की फेवरेट साइकिल? प्रकीन भैया, मुझे तो लगता है सिबियन की शॉप पर ना नई साइकिल आई होगी, हमें वहीं पर जाना चाहिए। मैंने भी देखा था, वहाँ पर तो काफी अच्छी अच्छी साइकिल थी। गाइस देखते हैं जिमियन की शॉप पर कौन सी नई साइकिल आई है जो सिंचान और चौप को पसंद है। और गाइस, आप लोगों की फेवरेट साइकिल का कलर कौन सा है कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। ओके सिंचान और चौप, रेडी हो जाओ, क्योंकि हम लोग गाड़ी बगा कर पहुंच चुके हैं जिमियन की शॉप पर। ये क्या है यार, सिमियन की शॉप पर तो आज एक गाड़ी भी नजर नहीं आ रही मुझे। कहीं पर सिंचान सिमियन ने गाड़ियों का कारोबार खत्म तो नहीं कर दिया? फ्रकिन भैया, इस चीज का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे तो मेरी फेवरेट साइकिल अंदर नजर आ रही है। अरे चौप, जल्दी से गाड़ी से उतर। ओके यार, देखते हैं कि आप कितने की मिलती है ये दो साइकिल सिंचान और चौप के लिए। फाइनली गाइस, सिमियन तो अपने सामने ही खड़ा है, और सामने देखो ढेर सारी साइकिल्स। अरे वाकई में काफी अमेजिंग साइकिल है। लेकिन सिंचान और चौप, तुम दोनों को इस दफा कौन से कलर की साइकिल लेनी है? मैं तो येलो कलर की साइकिल लूंगा। सिंचान, मेरे को तो ना ब्लू कलर की साइकिल काफी ज्यादा पसंद है, मैं ब्लू कलर की साइकिल लूंगा। ओके गाइस, सिंचान कह रहा है कि वो येलो कलर की साइकिल लेगा और चौप कह रहा है कि वो ब्लू कलर की साइकिल लेगा। चलो इन दोनों की प्राइस मैं पता करके आता हूँ। अरे सिमियन, देखा ना बच्चे कितने ही ज्यादा जिद कर रहे हैं, ये दो साइकिल बस मुझे चाहिए, बस इनकी प्राइस बता लेंगे कितनी होगी। अरे तुम्हें तो पता ही है महंगाई कितनी ही ज्यादा हो चुकी है और हर चीज कितनी ज्यादा महंगी हो रही है, लेकिन फिर भी तुम अपने ही बंदे हो, इसलिए मैं तुम्हें वही पुराना रेट लगाऊंगा। इन दोनों साइकिल का ना $30,000, बस ये मुनासिब रेट है, ना इससे कम होगा ना ज्यादा। अगर साइकिल चाहिए तो ले जाओ, अगर इतने पैसे देते हो तो मैं दे दूंगा, इससे ज्यादा मैं कमी पेशी नहीं करूंगा। सुबह का टाइम है और बहस करने का मेरा मूड नहीं है। ये क्या गाइस यार, सिमियन इन दो साइकिल के $30,000? अरे सिंचान, ये तो काफी ज्यादा महंगा है। चला हम लोग ना लाइफ इन्वर्टर के ऑफिस में चलते हैं, वहीं पर ना मुझे लगता है ना सस्ती साइकिल मिल जाएंगी। नहीं फ्रकिंग भैया, हमें तो यही से साइकिल लेनी है, पिछली दफा भी वो साइकिल ली थी, बार बार पंचर टूट जाती थी, इस दफा देखो ये कितनी ज्यादा मजबूत साइकिल है। मुझे तो यही साइकिल पसंद है, यही पसंद है, यही पसंद है, मैंने तो और किधर से नहीं लेनी, ये जितनी भी महंगी हो फ्रकिन भैया अब हमें लेकर दो। गाइस ये क्या, ये दोनों तो अपनी जिद पर अटक चुके हैं। ठीक है यार, इन दोनों को साइकिल लेकर देनी पड़ेगी। तो ठीक है सिमियन यार, ये ले $20,000 पकड़, और दो हफ्ते बाद ना मैं तुझे $10,000 दे दूंगा। फ्रकिन याद रखना, अगर $10,000 ना पहुँचे तो मैं घर से तुम्हारी साइकिल उठवा लूंगा, ये बात याद रखना।
अरे सिमियोन तुझे मेरे पर इतना भी एतबार नहीं है, $10,000 तेरे को पहुंच जाएंगे। चलो तुम दोनों की साइकिल मैं गाड़ी के अंदर रखता हूँ, अब चलते हैं हम लोग घर के अंदर। प्रकिल भैया जिंदाबाद, प्रकिल भैया ग्रेट, प्रकिल भैया आपने तो हमारा दिन बना दिया, आज हमारी जिंदगी बना दी। मैं क्या बोलूं, मेरे को तो पप्पी करने का दिल कर रहा है प्रकिल भैया आपका, लेकिन आपके इतने गंदे मुंह पर पप्पी नहीं करूंगा मैं। अरे यार बहुत हो चुका है, जल्दी करो, तुम दोनों की साइकिल गाड़ी के अंदर पहुंच चुकी है, जल्दी करो, जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठ जाओ। तो गाइस सेंचान और चोप की साइकिल तो मैंने पीछे गाड़ी की डिग्गी में रख दिया है। ओके सेंचान और चोप, तुम दोनों ने जो बोला था वो चीज तुम लोगों की पूरी हो चुकी है। आप सेंचान मुझे बता के तू क्या कह रहा था, क्या चीज है वो जो तू बताने वाला था मुझे? प्रकिल भैया इतनी भी जल्दी क्या है, घर तो पहुंचे, मैं सारा कुछ बताता हूँ आपका। ओके गाइस, तो गाड़ी को भगाते हैं, घर पहुंचते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होने वाला है। ओके सेंचान और चोप, गाड़ी भगा कर तो हम लोग पहुंच चुके हैं घर के अंदर, तो जल्दी से उतरो तुम दोनों। ओके तुम दोनों ने बोला था और तुम दोनों की ये देखो येलो और ब्लू साइकिल भी आ चुकी है, अब मुझे बताओ कि क्या कह रहा था तू सेंचान? प्रकिल भैया मैं तो ये कह रहा था आपके पास जो सूट है ना उनको सबको मिलाकर ना खतरनाक सूट बन सकता है, लेकिन आपको जो जो मैं सूट बता रहा हूँ अगर उन तीनों सूट को मिलाओगे तो एक पावरफुल और खतरनाक सूट बन जाएगा, यानी कि मैं सुपर हीरो के सूट का फ्यूजन करने का बोल रहा हूँ। अरे क्या, अरे इस तरह तो मैं भी कर सकता हूँ यार। नहीं प्रकिल भैया, अगर आप मुख्तलिफ सूटों को मिलाओगे तो हो सकता है वो सूट ब्लास्ट हो जाए आपस में मिलने के बाद, लेकिन जैसे मैं बताऊंगा और जिन जिन सूट के बारे में बताऊंगा अगर उन सूट को आप मिलाते हो तो एक पावरफुल और खतरनाक सूट बनेगा और वो सबसे पावरफुल सुपर हीरो का गॉड सूट होगा। और प्रकिल भैया ऐसा सूट कहीं भी नहीं मिलेगा और ये सूट सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होने वाला है। अच्छा, अरे यार वाह, ये तो काफी अच्छी बात है, इसका मतलब है। गाइस अब सेंचान से पूछ ही लेते हैं कि सेंचान वो कौन से सूट है जिन्हें हमें फ्यूजन करने के बाद एक खतरनाक और पावरफुल और एक्सपेंसिव सूट बनेगा। प्रकिल भैया आपने तो वे साइकिल लेकर दिया है और हम काफी ज्यादा खींचे हैं, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। प्रकिल भैया अगर आप आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और थोर के सूट को फ्यूजन करते हैं, यानी इन तीनों के सूट को कम्बाइन करते तो आप एक खतरनाक पावरफुल सूट बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको इन तीनों सूट को ढूंढना पड़ेगा जो कि इसी सिटी के अंदर मौजूद है। अगर आप इन तीनों सूट को ढूंढ कर इनको कंबाइन या इनका फ्यूजन कर लेते हैं तो एक पावरफुल खतरनाक सूट बन जाएगा। ओके थैंक यू सो मच, मुझे समझ आ गई। गाइस अब मुझे आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और थोर के सूट को ढूंढना पड़ेगा। अगर इन तीनों सूट को मैं आपस में मिला देता हूँ तो उसके बाद एक सुपर हीरो का गॉड सूट बनेगा जो कि काफी ज्यादा पावरफुल और एक्सपेंसिव होने वाला है। गाइस इसी सिटी के अंदर अगर वह सूट है तो ये सब कुछ होने वाला है। सिंचन तो वाकई में काफी ज्यादा तेज निकला, अबे ये सारी चीजें मुझे क्यों नहीं पता चली। तो गाइस देखते हैं कि अब क्या होने वाला है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा जल्दी से। सबसे पहले तो मुझे लगता है कैप्टन अमेरिका के सूट को मुझे ना कलेक्ट करना चाहिए, तो जल्दी से भाग कर देखते हैं कि कहां पर है ये कैप्टन अमेरिका का सूट। ओके गाइस मैं भाग कर तो आ चुका हूँ ना, मुझे इस साइड पर एक चीज नजर आ रही है। गाइस सामने की तरफ इतनी ज्यादा भीड़ क्यों लगी हुई है, चल क्या रहा है? मुझे लगता है कहीं पर बॉक्सिंग चैलेंज तो नहीं होने वाला। चलो चल के देखते हैं कि क्या होने वाला है। सामने की तरफ तो ये खतरनाक बॉडी बिल्डर, अरे वाह क्या ही मसल बना कर रखे है इसने। और एक मिनट, ये मैं क्या देख रहा हूँ, कहीं पर ये सच तो नहीं, मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही, ये तो कैप्टन अमेरिका का सूट है ना गाइस। गाइस पहला सूट अगर ये मुझे मिल जाता है उसके बाद मुझे बाकी सूट को ढूंढना पड़ेगा, यानी कि पहला सूट मुझे मिल चुका है। गाइस कहीं पर इस बॉक्सर के साथ मुझे फाइट तो नहीं करनी और जीतने पर मुझे ये सूट मिलने वाला है? मुझे लगता है ऐसा ही कुछ होने वाला है, मुझे पता करना पड़ेगा। मुझे लगता है ये बच्चा भी लड़ने के लिए आया है, इससे कोई नहीं जीत सका आज तक। ये खतरनाक बॉक्सर है और इसका एक पंच ही काफी है तेरे लिए, जो भी इसे हराएगा इसे मार गिराएगा तो उससे मिलेगा कैप्टन अमेरिका का ये पावरफुल सूट। और तुझे पता है इस कैप्टन अमेरिका के सूट की कितनी कीमत और कितनी मांग है? ये कैप्टन अमेरिका का सूट जो कैप्टन अमेरिका ने खुद पहना था और इसे पहनने के बाद कैप्टन अमेरिका 100 साल तक बर्फ के अंदर ही था। ओके अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं इस बॉक्सर से चैलेंज जीतूंगा और ये सूट मेरा ही होगा। तो गाइस अब मुझे रिंग के अंदर जाना पड़ेगा, देखते हैं कि क्या होने वाला है, जंप करके जल्दी से चलते हैं। अरे मैं तेरे साथ लड़ूंगा, अरे ओए होए पोज दिखाने वाले, इधर देख सामने की तरफ, तेरी मौत तेरे सामने है।
मुझे लगता है ये मुझे जानता नहीं है। अब मैं इसे बताता हूँ, इसके लिए एक ही पंच काफी है मेरा। गाइस ये क्या, अरे ये तो मुझे मारा काफी बुरे तरीके से, अभी रुक तो सही। गाइस क्या किया जाए, इसे मुझे मारना पड़ेगा तब भी मुझे कैप्टन अमेरिका का वो सूट मिल सकता है। अरे बड़े गंदे तरीके से जोरदार पंच मार रहा मुझे तो ये। ओके फिर ये ले अरे अरे ये मौका ही नहीं दे रहा मुझे तो। ओके ये घुसे लाते मेरे शुरू कर दी। अरे मेरी एक पावरफुल लात इसे लगती है। ओके इसने तो क्या ही खुद को बचाया, और फाइनली एक ही लात लगी और ये तो नीचे पड़ा हुआ है। यही है मेरी पावर। गाइस इन लोगों ने मेरी पावर देख ली, अब मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा। अरे ये रहा तुम लोगों का पावरफुल बॉक्सर जिसे मैंने एक ही पंच मार के गिरा दिया है। ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता, मुझे यकीन नहीं आ रहा। कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है, मुझे लगता है इसने चीटिंग किया है, ये सूट इसे नहीं मिलेगा। अरे सूट तो अब मुझे मिलेगा ही, लगता है ना इन दोनों को भी सबक सिखाना पड़ेगा। ये खतरनाक पंच लगा इसे और ये दूसरे को भी। गाइस बड़े आइए चैलेंज रखने वाले इन दोनों को भी मैंने मार दिया है। और ये रहा कैप्टन अमेरिका का सूट, मुझे लगता है ना इस सूट को मुझे जल्दी से पहन लेना चाहिए। तो गाइस आप लोग रेडी हो मेरे साथ, 1 2 3 एंड गो। गाइस मेरे पास कैप्टन अमेरिका के ये सूट और पावर भी आ चुके हैं, और ये रही कैप्टन अमेरिका की शील्ड। ओके मैं किसी को भी मार सकता हूँ इससे। ओके अब मुझे जाना पड़ेगा, मुझे नेक्स्ट कलेक्ट करना है आयरन मैन का सूट। गाइस अब आयरन मैन का सूट मुझे कहाँ से मिलेगा, कहीं पर टोनी स्टार के पेंशन पर तो नहीं जाना मुझे। लेकिन गाइस अब देखते है कि क्या होता है, खतरनाक किस्म की लॉन्ग जम्प ये। गाइस मुझे जाना पड़ेगा, ये सामने की तरफ मुझे कौन नजर आ रहा है। ओके ये तो स्पाइडर मैन है। अरे स्पाइडर मैन क्या कर रहे हैं सामने की तरफ, मुझे लगता है ना इसे कोई ना कोई तो दिक्कत जरूर है। गाइस मुझे इससे पूछना पड़ेगा। कैप्टन अमेरिका तुम भी मेरी मदद कर सकते हो, अगर तुम मेरी मदद करते हो तो तुम्हें मैं कुछ ऐसा दूंगा जिससे तुम खुश हो जाओगे। तुम्हें पता है मेरी सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव कार किसी ने चोरी कर रही है, वो रेड लैम्बोर्गिनी। मैंने अपना सब कुछ बेचकर उस गाड़ी को खरीदा था। अगर तुम मेरी वो गाड़ी ले आते हो तो तुम्हें मैं आयरन मैन का सूट दे सकता हूँ, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है, जो कि मैंने आयरन मैन से छुपा कर रखा है। और आयरन मैन उस सूट को ढूंढ रहा है, लेकिन मैं तुम्हें वो सूट दे सकता हूँ और तुम भी काफी ज्यादा पावरफुल बन जाओगे। ओके गाइस इसी के पास है आयरन मैन का वो सूट, तो ठीक है स्पाइडर मैन तेरी वो रेड गाड़ी में लेकर आता हो, बस तू आयरन मैन का सूट तैयार रखी और मैं तुझे लोकेशन भेज दूंगा, वहाँ पर पहुँच जाए तेरी गाड़ी तुझे मिल जाएगी। गाइस अब मुझे भाग कर जाना पड़ेगा, इसकी वो रेड लैम्बोर्गिनी का नंबर था 4983। गाइस 4983 गाड़ी अगर मुझे मिल जाए तो गाइस मजा ही आ जाएगा, और फिर मुझे आयरन मैन का वो सूट मिल सकता है। गाइस ये मैं क्या देख रहा हूँ, सामने की तरफ मुझे वो गाड़ी नजर आई है। गाइस ये तो साइड पर भगा कर लेकर जा रहा है, मुझे इसका पीछा करना पड़ेगा। बे रुक, अभी ये कौन है इस गाड़ी के अंदर, ये तो काफी स्पीड से भगा कर लेकर जा रहा है। गाइस मुझे किसी तरह करके ना इस गाड़ी का पीछा करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इसका नंबर मुझे चेक कर लेना चाहिए। गाइस ओके मुझे नजर आ चुका है 4983 इस गाड़ी का नंबर है। गाइस वो गाड़ी भगा कर तो इसी साइड पर गया है, मुझे उसका पीछा करना चाहिए। एक मिनट फाइनली वो गाड़ी मुझे नजर आ चुकी है, सामने की तरफ ये वो गाड़ी, मुझे एक मिनट यहाँ पर छुपना पड़ेगा। ओ बाप रे ये तो सामने की तरफ सिमियन है। गाइस सिमियन के आगे यानी कि ये गाड़ी बेचने वाला है, और अगर मैं ये स्पाइडर मैन की गाड़ी को बचा लेता हूँ तो वो मुझे आयरन मैन का सूट दे देगा। मुझे लगता है कल मेरा पीछा करते हुए यहाँ पर भी पहुँचाया, उसे सबक सिखाना पड़ेगा। ये क्या कैप्टन अमेरिका, तुझे मैंने देख लिया था जब तू मेरा पीछा कर रहा था। हाँ ये स्पाइडर मैन की गाड़ी है, और मैं इसे कई लाख डॉलर में इस सिमियन के आगे बेचने वाला हूँ, इसलिए मेरे रास्ते में मत आ, यहाँ से चला जा वरना बेगुनाह मारा जाएगा तू। ये क्या गाइस, ये रहा सामने की तरफ, ये तो मुझे मार रहा है। आगे रिवर्स फ्लैश तू बचेगा नहीं, मुझे नहीं पता था तू इतना ज्यादा बुरा हो सकता है। ये ले फिर खतरनाक पंच, ये कैप्टन अमेरिका की पावर है जो कि तुझे पढ़ने वाली है, और गाइस मैंने इसे मार डाला। फाइनली ये पढ़ा हुआ है सामने की तरफ, कितने बुरे तरीके से मैंने इसे मारा, और मुझे लगता है ना मुझे उसे भी सबक सिखाना पड़ेगा। ये भी बेहोश हो चुका है गाइस। और फाइनली गाइस ये रही स्पाइडर मैन की गाड़ी, अब मुझे जल्दी से उसे कॉल करनी पड़ेगी, उसे लोकेशन भेज देता हूँ, यहाँ पर पहुँचाएगा वो। अरे हाँ स्पाइडर मैन तुम्हारी गाड़ी मिल चुकी है, यही है नंबर भी मैंने देख लिया है, बिल्कुल सेम ही है, 4983 गाड़ी का नंबर है, और जल्दी से पहुंचा, मुझे मिल चुकी है तेरी ये रेड लंबोर्गिनी। गाइस फाइनली इस गाड़ी को मैंने ढूंढ निकाला। फाइनली गाइस स्पाइडर मैन आ चुका है, और ये रहा आयरन मैन का सूट, और स्पाइडर मैन तेरी ये रही गाड़ी, तू अपनी गाड़ी लेकर जा सकता है।
और फाइनली गाइस मुझे आयरन मैन का ये सूट मिल चुका है जो कि मुझे स्पाइडर मैन ने दिया है। तो मुझे लगता है जल्दी से इस सूट को पहन लेना चाहिए, मैं काफी एक्साइटेड हूँ। 1 2 3 एंड गो। और फाइनली अब मुझे चेक करना पड़ेगा इस सूट के अंदर कितनी पावर है। स्पाइडरमैन भी अपनी गाड़ी लेकर जा चुका है और मैं भी जा रहा हूँ। और गाइस कितने खतरनाक तरीके से फ्लाई कर रहा हूँ मैं तो। और गाइस अब मुझे लास्ट में थोर के सूट को ना कलेक्ट करना है और उसके बाद इन तीनों सूट को ना कंबाइन करने वाला हूँ मैं। फिर देखता हूँ कौन सा सुपर हीरो का गॉड सूट बनता है। तो जल्दी से देखते हैं गाइस, बस मुझे ना वो सूट मिल जाए थोर का किसी तरह। फाइनली गाइस मैं इस जगह पर तो पहुंच चुका हूँ। ये क्या रखा गया सामने की तरफ और ये लोग कर क्या रहे हैं? ये तो मुझे कोई खतरनाक गैग नजर आ रही है। यहाँ पर रखा गया है एक चैलेंज, जब ये चैलेंज का जीतेगा उसे मिलेगा थोर का पावरफुल सूट, और अगर हारता है तो उसे $1 मिलियन चुकाने पड़ेंगे। और अगर वो $1 मिलियन नहीं चुका पाता तो फिर सारी जिंदगी हमारी गैंग के लिए से काम करना पड़ेगा या फिर मारा जाएगा वो। मुझे लगता है तुम क्या समझते हो, ये आयरन मैन का सूट पहनकर तुम आयरन मैन बन जाओगे। थर का सूट पहनो ताकि तुम रियल थर लगो। तो इस चैलेंज में तुम्हारा नाम एंटर कर दिया गया है, अगर खेलना चाहते हो तो खेल सकते हो। ओके गाइस, लगता है इन लोगों को पता नहीं मैं कितना ही ज्यादा अमेजिंग और कितना ही ज्यादा चैलेंज में प्रो। ओके मैं इस वाले ना टेलीपोर्टर मशीन के अंदर जाने वाला हूँ, देखता हूँ ये मुझे कौन से चैलेंज पर भेजती है। ओके गाइस मैं इस चैलेंज पर तो पहुंच चुका हूँ, जल्दी से मुझे इस बाइक के ऊपर बैठना पड़ेगा और इस चैलेंज को फिनिश करने पर गाइस हमें थोर का सूट मिलने वाला है, तो मैं रेडी हूँ। अरे गाइस ये क्या खतरनाक किस्म की बड़ी बड़ी लिमोजिन रखी गई हैं, तो ये चैलेंज कितना ही ज्यादा एक्सपेंसिव है आप लोग देख ही सकते हो। और सामने की तरफ मैं स्पीड से जा रहा हूँ और गाइस क्या ही खतरनाक तरीके से अपनी बाइक भगाई मेरी। अबे मुझे रुकना नहीं है गाइस, डर तो काफी ज्यादा लग रहा है लेकिन हम लोग ये कर दिखाएंगे। और सामने की तरफ आप लोग देख सकते हो गाइस, गोल सा टायर इसी के अंदर से मुझे गुजरना है। गाइस आप लोग देख सकते हो काफी खतरनाक तरीके से मैं जा रहा हूँ सामने की तरफ पहुँचना है बस। और फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ और गाइस अब काफी ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि मैं एक भी जगह पर नहीं गिरा। और गाइस काफी ज्यादा प्रूव हो रही है, बड़े बड़े टायर रखे गए थे, इन्हें क्या ही खतरनाक तरीके से गिराया मैंने। और गाइस आप लोग देखना मैं कितने ही आराम से अपनी इस बाइक को लेकर जाता हूँ यहाँ से। वैसे यही रास्ता थोड़ा सा ना सेंसिटिव है गाइस, आराम से अपनी बाइक को लेकर जाना पड़ेगा। लिटरली गाइस मुझे ऐसा लगता है ना ये चैलेंज कर करके ना मैं काफी ज्यादा प्रो हो चुका हूँ। तो गाइस आप लोग ही बताओ कमेंट सेक्शन में कि कौन सा गोड सूट बनेगा। ओके सामने की तरफ फिनिश पॉइंट है, मुझे वहीं पर जाना पड़ेगा, अपनी इस बाइक को भगाना है काफी स्पीड से और मैं फाइनली पहुंचने वाला हूँ। और गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ। ओके मुझे मिल चुका है ये रहा थोर का सूट। गाइस आप लोग देख सकते हो ऐसे लगता है इस थोर के सूट पर गोल्ड का कवर हुआ है, तो जल्दी से इस सूट को पहन लेते हैं। रेडियो आप लोग 1 2 3 एंड गो। गाइस मैं यहाँ पर तो पहुंच चुका हूँ लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही गाइस, मैं कहाँ पर जाकर इन तीनों सूट को कंबाइन करूँ। अरे ऊपर वाले आप तो ही मेरी मदद कर सकता है, मैं तुम्हारा ही पीछा कर रहा था कब से फ्रैंकलिन, मुझे पता है तुमने कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन मेरा सूट और थोर का सूट तुमने ले लिया है, अब तुम इन तीनों पावरफुल सूट को कंबाइन करना चाहते हो। ओके मैं भी देखना चाहता हूँ कि इन तीनों को कंबाइन करने के बाद कौन सा गोड सूट बनता है। मेरे पास एक ऐसा पोर्टल है जिसके अंदर तुम अगर ये तीनों सूट को ले जाओगे तो एक खतरनाक पावरफुल सूट बनेगा जो कि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होगा, तुम्हें मेरे साथ वहीं पर चलना होगा। गाइस ये तो टोनी है, अबे टोनी थैंक यू सो मच। ओके गाइस अब मुझे लगता है मुझे जाना पड़ेगा उसी पोर्टल के अंदर और हम लोग इन तीनों सूट को उस पोर्टल के अंदर डालकर एक गॉड सूट बनाने वाले है। तो फिर सोच कर रहे हो, जल्दी से मेरे साथ चलो। ओके फ्रैंकलिन मैं तुम्हें लेकर इस पोर्टल के पास पहुंच चुका हूँ, ये वो पोर्टल जिसके अंदर तुम्हें जाना होगा और तुम्हें खतरनाक गॉड पावर सूट के साथ निकलोगे। गाइस अब मुझे पता नहीं है कि क्या होने वाला है लेकिन आप लोग रेडी हो, जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं जा रहा हूँ इस पोर्टल के अंदर, देखता हूँ क्या होता है। अब मुझे वापस जाना पड़ेगा, फाइनली मैं बन चुका हूँ। ये देख टोनी, ये है गॉड सुपर सूट जो कि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन और थोर को मिलाने से ये पावरफुल सूट बना है जो कि इस पोर्टल ने बनाया है। और गाइस आप लोगों ने देख लिया, इस सूट के अंदर तीनों पावर है गाइस, थोर की पावर, कैप्टन अमेरिका की और आयरन मैन की भी। तो टोनी स्टार्क मुझे लगता है ना देखिए कितना ही ज्यादा पावरफुल सूट है। और ये देख मैं ऊपर फ्लाई भी कर सकता हूँ। अब मुझे जाना पड़ेगा, ये सूट मैं किसी को नहीं देने वाला। टोनी बाय बाय, मैं जा रहा हूँ।
गाइस फाइनली इतना तो मुझे पता चला कि ये सारे सूट मुझे कलेक्ट करने के बाद एक पोर्टल के अंदर जाना पड़ेगा और फाइनली वहीं से मैं गॉड सूट में कन्वर्ट हो जाऊंगा। और गाइस ये एक्सपेंसिव सूट मैं सेम चैनल शो को भी बताने वाला हूँ, तो आप लोग रेडी हो ना? गाइस मैं जा रहा हूँ, आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखना और देखते हैं कि नेक्स्ट हम लोग कौन से सुपर हीरो के सूट को कम्बाइन कर पाते हैं। तो गाइस आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन से सुपर हीरो के सूट को कंबाइन किया जाए और फिर देखते हैं कि कौन सा गॉड सुपर हीरो का सूट निकलता है। तो गाइस आप लोगों के कमेंट्स का वेट रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।